आगे बढ़ेंगे। वीर सावरकर पर कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी ने अब हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, हम उन्हें वहीं राहुल गांधी समझते हैं। सावरकर तो पासंग में भी नहीं मानते हैं। हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं, हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं, हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही हम वही राहुल गांधी समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस के संकल्प दिवस मनाए जाने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संकल्प नहीं माफी दिवस मनाना चाहिए। संकल्प क्या दिवस निकालना चाहिए उन्हें? माफी दिवस मनाना चाहिए उनको। क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 एमएलए टूट के चले गए अलग 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 अलग। कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफी मांगो। सर किसानों को शुरुआती राहत देने की मांग कर रहे हैं सर कांग्रेस।